खदीजा आप चले आ रही है। खदीजा नहीं, कपड़े गंदे जाएंगे, आपको नहीं खाना आता। सही लगा नहीं, आपने मेरा दुपट्टा डाले। सॉरी, ये दी शरीफ बच्ची है मेरी, छोटी है, बालों में ऑयल लगाया था मैंने। भाग रही है ना, सेट करो दुपट्टा इस पे। नहीं सॉरी, ओ, क्या हो रहा है ये? छोड़ दो, रो रही है, छोड़। कितना गुस्सा आ रहा है बेचारी, तू कुछ कर दो उसको, नहीं तंग करो बेचारी बच्ची को यार। क्या हुआ खदीजा भाई, ये कितना प्यारा है, छोड़ दो बच्ची को, इधर आओ, ऊपर आओ, कंघी करो अच्छा बच्चे आए, नहीं मारा, अच्छा नहीं मारा, मैं कंघी कर रहा हूँ, इधर सामने देखो, केक तुमसे ले आएगी ना, देख रही है, मुझे भी चाहिए ये वाली, देखा चुपटा मारेगी अब, नो नो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आज जो है वो तीसरा दिन हो गया ईद का, खैर हमारी ख़त्म हो चुकी है, हमारा चौथा दिन है। यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले बेडशीट वगैरह मैंने डाली थी, वीडियो में थोड़ी सी किस्ती ख़राब लग रही है, वैसे ख़राब थी नहीं यहाँ पे फिर ना, वैसे तो क्लीनिंग मैंने की हुई थी, लेकिन फिर भी ना बच्चों को मैंने नहलाया था तो वो थोड़े बहुत बाल वाल पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चले वो भी दोबारा से वैक्यूम कर लूँ। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जी हम भी तैयार हुए, खैर मैंने कपड़े तो सुबह जब नमाज़ पढ़ने के लिए मैं उठी थी तो मैंने तभी कपड़े पहन लिए थे, और यहाँ पे ना घर में आपको पता है कहीं जाना होता नहीं है तो लोन के कपड़े ही काम आते हैं, तो मैंने सिंपल बस यही पहने थे, और ये भी जो है ना पाकिस्तान से ही लिए थे मैंने। और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा दूँ, मौसम माशाल्लाह अच्छा था ईद वाले दिन भी, वैसे तो पूरे रमज़ान में बहुत अच्छा था। यहाँ पे जी हम बेचारों को जो है ना वो मेहंदी नहीं मिली, जबकि मेरे हस्बैंड 2 से 3 मरतबा बाहर गए थे, एक बार तो उनको याद ही नहीं आई, तो दोबारा जो है वो कह रहे थे मुझे मिली नहीं, मैंने पता किया था, ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, हम जो है ना कोई और जुगाड़ करते हैं, वैसे भी हाथों को रेडी करना है तो यहाँ जो है ना मैं रेड जो है ना वो पेन यूज़ कर रही हूँ, उसके साथ मैंने जो है वो थोड़ा सा हल्का सा डिज़ाइन बना लिया था, बाकी खदीजा का भी बना रही थी, उसको आगे से इतनी गुदगुदी हो रही थी, उसने मुझे बनाने नहीं दिया तो मैं आपको दिखा रही थी, वैसे अच्छा लग रहा था, मुझे लगानी आती है वैसे मेहंदी हाथों पे, तो मैं बहुत मैं लगाती थी पहले। यहाँ पे जो ना खदीजा का ये वाला ड्रेस था, वैसे खदीजा के और भी कपड़े थे लेकिन ना ये जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, कुछ टाइम पहले मैंने ना एक रॉयल फैमिली की किसी बच्ची को मैंने इंस्टाग्राम पर और गूगल पर मैंने ना इस तरह के कपड़ों में देखा था मैंने, तो तब मेरा बड़ा दिल कर रहा था मैं खदीजा के लिए भी इस तरह की लूँ, लेकिन मुझे पता था ये लूलू या केयरफोर से नहीं मिलेगा, ये हो सकता है किसी बड़े ही शॉपिंग मॉल से मिले, तो फिर मैंने पता ही नहीं किया तो अचानक मुझे, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे किसी आम सी जगह से भी मतलब ये सूट मुझे मिल जाएगा, और मैंने फ़ौरन ले लिया था खदीजा के लिए। बस ये हाली सिर्फ शर्ट ही थी, नीचे पैंट मैंने अलग से ली थी, और ईद के लिए जो है ना मैंने कलेजी बनाई थी, और साथ में कुकर में जो है ना वो मैंने गोश्त रखा था निहारी बनाने के लिए। इस बार जो है ना हम लोगों ने बिरयानी नहीं बनाई, इसलिए कि बच्चों को भी नज़ला था, बाबर को भी खांसी हो रही थी, और अभी आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरा खुद भी गला बहुत ख़राब था। फिर हम लोगों ने जो है ना वो रोटी सालन किया, कलेजी बना दी, साथ में निहारी बना ली, और दूसरे दिन जो है ना वो बहुत सारे कपड़े थे इस्त्री करने के, मैं जो है ना इस्त्री करने बैठ गई,
वैसे मैं बहुत तंग होती हूँ इस्त्री करने में, लेकिन ये है कि फिर करने तो पड़ते ही हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने कहा चलें सुबह सुबह के टाइम जो है ना मैं इस्त्री करने बैठ जाती हूँ, बाद में बच्चे उठ जाते हैं, खदीजा उठ जाती है तो वो करने नहीं देती। ये जो कपड़े पड़े हैं मैंने इससे ज़्यादा और भी पीछे पड़े हुए थे जो मुझे वो भी इस्त्री करने से, तो काफ़ी भी सारा मेरा टाइम लग गया। फिर हम जो है ना रात को पिज़्ज़ा खाने चले गए। मैंने कहा वैसे भी इतने महीना अफ्तारियाँ बनाते रहे सहरियाँ बनाते रहे, अब थोड़ा बाहर से खा लेते हैं। और हम लोग जो है ना वो बाहर पिज़्ज़ा खाने चले गए थे। पहले डॉक्टर के पास जाना था अब्दुल सलमान को लेकर, तो उसके बाद हम लोगों ने खाना खाना था। तो चलिए आके हम देखते जाइए। वो ना छोटे सा बच्चों को नहीं जाने दे रहे ना। सलाम करो हदीजा, कैसे हैं? हाय बोलो। यहाँ हम लोग जो है ना वो सुलेमान को हॉस्पिटल लेकर आए हैं, और सुलेमान को जो है उसके बाद पर लेकर चोट लगी थी, वो गिर गया था, उसको भी देखें क्या कह रहे डॉक्टर से। अगर अरे शोर नहीं करो ना, क्या रखूँ तुम्हें भी हॉस्पिटल जाना है। किसने काटा है? मच्छर ने काटा तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे। खदीजा गिरोगी ना? खदीजा को जरा भी आराम नहीं होता इसमें स्टॉलर में। ओ खदीजा क्या मसला है? नीचे पड़ी होगी, नीचे पड़ी होगी छोटी बच्ची। छोटा जाओ इधर आओ, बच्चों को आवाज़ें देनी पड़ती है ना ऐसे। इधर आ जाओ शर्मा, भागने नहीं आ बच्चे को ना एक्सरसाइज, वहाँ तो एक्सरसाइज करने छोटे बच्चे थोड़े जाते हैं। वाली इतनी बॉडी है क्या? बॉडी बिल्डर का बच्चा है। इधर बैठो यहाँ नीचे करो, शेम हो रही है। अभी जाएंगे पहले खाना खाएंगे फिर ही कुछ करेंगे हॉस्पिटल या फिर किसी और। बाबा क्या हुआ? यही साथ में जो है वो मेडिकल सेंटर वहाँ पे नहीं होगा डॉक्टर? वो साथ जो था मेड केयर के नाम, वो इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा, ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं जा सकते ना, मोर आगे फौरी है ना टोटल। अरे यार अब इतना कैसे डॉक्टर नहीं करते, पहले बता दें, पहले नर्स जाकर तो पूछ लेती, इतना इंतजार। आगे करो हैंड नीचे करो। हाँ कोई बात हो गया। ऐसे ही होते हैं, छोटी ना गिर जाए, जल्दी करो ना, मैं भी करूँगी। अच्छा आपका ना जादू हो गया बस, खाना खाएंगे हिम्मत खत्म हो गया। आराम से चिपक जाएगी हैंड के साथ, करके फेंक दो बस। हम लोग तो हैंड वॉश करके आ गए, अभी बाबा और अब्दुल हादी सलमान तो नहीं आए। अच्छा मुझे क्या पता, मैं तो सबसे आप लोग नहीं, मेरे तो हैंड वॉश नहीं, और दाऊद से करवाए। दाऊद इधर आओ, आ जाओ भाई। मैं समझ आप तीन बंदे, अभी टाइम लगेगा आप लोगों का। बस बस मुझे दे दो बस बस। अच्छा बच्चा बहुत अच्छा बच्चा, हमने आराम से बच्चे क्यों भेजो? तो बाबा मुझे फिर डांट रहे होते हैं कि बच्चों को ना दो, गिरेगी बच्ची बेचारी छोटी। आप तो बिग हो, लेकिन वो देखो कहाँ बैठी हुई है। अंदर ही जा रहे हैं फिर खाने, आगे से ऊपर कर लें स्टॉल का। गाड़ी आ रही है, बिस्मिल्लाह। मामा मेरी बाल माने मेरी बाल। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे खाने के लिए, क्योंकि ये पार्किंग थी यहाँ पे, हम लोग वो अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। ये रही हमारी गाड़ी। हाँ गुस्सा तो नहीं करो दाऊद, आ जाओ बच्चे, ऐसे नहीं करो ऐसे। कि दाऊद जो है ना बहुत शरारती बच्चा है मेरा, उसको चोट लगती रहती है, फिर गिरता रहता है ना दाऊद। दाऊद बात सुनो, अगर आप यहाँ पे मुझे पीछे छोड़ दिया, मैं पकड़ रही हूँ तुम्हें। दाऊद बात सुनो, छोड़ छोड़ गिर जाओगे गिर जाओगे। अगर दाऊद तुम गिरे ना मस्ती करते वक्त, बात सुनो, मैं ऊपर से और मारूंगी तुम्हें। जो कि मुझे बहुत तंग करते ना, तो मैं कह रही थी जब आप लोगों को लगेगी ना तो मैं ऊपर से और मारूंगी, लाड नहीं करूंगी। हाँ मैं पीछे रह गई हूँ आराम से। कहाँ बैठ गए बाबा? बात सुनो, यहाँ बैठ जाते हैं ना, ज़्यादा खुला हमें यहाँ इधर बैठो, उस साइड पे बैठो। हाँ ना इधर बैठ जाओ, और नज़र नहीं आएगा ज़्यादा। हटो अभी, तब उसमें पीछे जाना, देखो ज़रा वो खड़ी हो गई, तो मुझे गिरे ना। एक काम करो अभी हरी, उसको टायर पीछे से लॉक कर दो, इसलिए नहीं वहाँ बैठ गया। अभी वॉश करके आए थे ना आप,
यहाँ जगह नहीं है बस। और यहाँ पे जो है ना हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया था अच्छे से क्योंकि काफ़ी भूख लग रही थी और हॉस्पिटल में ना काफ़ी टाइम लग गया था। और जब नंबर आया तो डॉक्टर ने बोला कि मैं छोटे बच्चों को नहीं देखता, आप छोटे बच्चों के जो डॉक्टर होता है उसी के पास लेकर जाएं। और उसके बाद जी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपने घर चले गए थे। कहीं और जाने की हिम्मत नहीं थी, वैसे थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी लेकिन हम लोगों ने की नहीं। फिर चले अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों से रेसिपी वगैरह और अच्छे अच्छे ग्रोसरी करूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।